नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं आज की सिलेक्टेड और काम की मुख्य खबरों पर। किसान आंदोलन का चौथा दिन, रात 1:30 बजे तक मीटिंग। केंद्र ने MSP पर मांगा वक्त। हरियाणा में आज टोल फ्री, किसानों का भारत बंद का ऐलान। हिमाचल में खेला करने की कोशिश में BJP। वीरभद्र के करीबी रहे महाजन को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग की आस। फारूक अब्दुल्ला बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। उमर ने कहा, पार्टी इंडिया का हिस्सा, उनकी पार्टी के पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल। ओडिशा सरकार ऑर्गन डोनेट करने वाले को राज्य के सम्मान देगी। CM नवीन पटनायक ने कहा, अंगदान का निर्णय लेना साहसी और महान कार्य। तमिलनाडु CM का राज्यपाल RN रवि पर आरोप। MK स्टालिन ने कहा, गवर्नर राजनीतिक एजेंडे के लिए विधानसभा का इस्तेमाल कर रहे। मौजी राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करेंगे। जयपुर का खातीपुरा स्टेशन हाईटेक होगा। रेलवे के लिए 2300 करोड़ रुपए के काम होंगे। जयपुर से आगरा अब कम समय में पहुंच सकेंगे। बांदीकुई आगरा रूट पर डबलिंग सहित 17,000 के प्रोजेक्ट PM आज करेंगे शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर रोक लगाई। 13 मार्च को पता चलेगा किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सोनिया गांधी की इटली में भी फैमिली प्रॉपर्टी। 5 साल में 72 लाख की संपत्ति बढ़ी। 12 बीघा जमीन घटी, उनके पास कार नहीं। ममता बोली, संदेश खाली, RSS का गढ़। यहां तनाव पैदा करने की भयानक साजिश हो रही है। यहां पहले भी देंगे हुए दोषियों को बख्शेंगे नहीं। गहलोत बोले, किरोड़ी लाल धरना मास्टर है। महिलाएं मिलने गई तो पुलिस से पिटवाया। नौकरी से हटाने को उपलब्धि बता रही सरकार। रोहित और जडेजा के शतक से संभला भारत। पहले दिन टीम इंडिया का स्कोर 326 पे 5। सिर्फ 33 रन पर गिर गए थे 3 विकेट।